एक काफी समय के बाद आप दोनों मिल रहे थे, हिना को आप देख ही रहे थे टीवी पे, तो हिना ब्रोक डाउन हो गए थे आपको देख के, काफी इमोशनल हो गई थी वो, तो उस वक्त मतलब वो जो एक पर्टिकुलर मोमेंट था, तो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड? वो बहुत डिफिकल्ट था, यू नो, मतलब टू टेल यू, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्टर, और वो कंट्रोल करना अपने आप को कि वो रो रही है, इफ़ आई ऑल्सो स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन तो वो फिर कुछ और ही बन जाता था. सो मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ा. एक तो मैंने भी बहुत दिनों बाद देखा उनको, बट एटलीस्ट हमारे पास वो लग्जरी है कि हम उनको रोज़ टेलीविज़न पर देख सकते हैं. हिना तो बिल्कुल ही कट ऑफ हैं सब लोगों से, और उनको पता भी नहीं चल रहा है कि हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी हैं या हम क्या सोच रहे हैं. इतने सारे सवाल होंगे उनके दिल में, और फिर इतने दिनों बाद, इतनी सारी चीज़ों से गुजरने के बाद, अगर आपका कोई अपना आपको मिलता है, आपकी नज़र के सामने आता है, तो बहुत वाजिब है कि आप थोड़ा सा यू नो रोने लगो. और वो वैसे भी थोड़ी इमोशनल हैं, घर के अंदर आप देख ही रहे हैं. सो इट वॉज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट.